अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जो है मुहर्रम का चांद चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है, और आज जो है मुहर्रम की 7 तारीख है। वैसे हमारे शहर फरकाबाद में भी जो है ताजियादारी होती है। 2 तारीख को जो है सियाह लोग जो हैं, सियाह हजरात जो हैं, वो अपना आलम उठाते हैं, 2 मुहर्रम की 2 तारीख की, और 4 तारीख को एक ताज़िया उठता है गड़ी अब्दुल मजीद खां से। गड़ी अब्दुल मजीद खां से ताज़िया उठता है और पक्के पुल चौक होता हुआ, घूमना सोसाइटी होता हुआ, फिर जो है गड़ी अब्दुल मजीद खां जो है पहुंचता है। उसके बाद जो है फिर 6 तारीख को जो है टाउन हॉल से आलम उठते हैं, वो मनिहारी की तरफ घूमते हैं, पता नहीं खटकपुरे की तरफ आते हैं या नहीं आते हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। बहरहाल जो है 6 तारीख को भी जो है आलम उठते हैं, और 7 तारीख को हमारा जो मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खां है वहाँ से जो है आलम उठते हैं 7 तारीख को सुबह में, और वो दिन भर घूमते हैं पूरे शहर में। उसके बाद में शाम को पहुँचते हैं मदारवाड़ी, और मदारवाड़ी से जो है रात में फिर चलते हैं, फिर आते हैं खटकपुरा इज्जत खां मुहर्रम की 7 तारीख को। मगर दोस्तों ये एक बात जो है वो हमें अच्छी नहीं लगी कि जो 7 तारीख को अगर आप अलम उठाते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अलम उठा रहे हो या ताज़ियादारी कर रहे हो, मगर जो अलम में हमने देखा कि लोग जो है गरी की बट्टी लुटाते हैं, थाली स्टील की थाली लुटाते हैं, और वो थाली का क्या हाल होता है, लोग उसके ऊपर टूटते हैं पूरी तरीके से, उस थाली के ऊपर टूटते हैं और वो गुत्थी बन जाती है, और गुत्थी वो कहाँ से चालू होती है, कहाँ से थाली लुटाई जाती है, और कहाँ वो गुत्थी बनती है और कहाँ पहुँचती है, उसमें क्या होता है, लोग ब्लेड चलाते हैं, हाथ पैर भी कटने का डर रहता है, चोटें लगती हैं, चप्पलें टूटती हैं, 50-60 रुपए की थाली के चक्कर में इंसान कितनी चोटें खाता है, ब्लेड भी लगते हैं, चोटें भी लग रही हैं, उसके बाद जो है उसके ऊपर टूटा पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ गलत है। अगर आपको जो है कोई चीज़ जो है बाँटना है तो आप उसको, कोई चीज़ खिलाना है तो आप उसको कायदे से जो है आप उसको बाँट सकते हो। अलम आते हैं उसके साथ बंदे होते हैं, आपको खीर खिलाना है या जो है शरबत पिलाना है, आप उसको जो है बुला के आप जो है शरबत, अगर ये जो आप लुटाते हो आप गरी की बट्टी में आप उसको जो है तेल लगा देते हो ऊपर से, और ऊपर से फेंकते हो ताकि जो है हाथ से फिसले और गुत्थी बने, उसमें क्या है चोटें लगती हैं उसमें, उसके बाद फिर गरी के बट्टी के ऊपर आप इनाम रखते हो, प्लेटों के ऊपर आप इनाम रखते हो, थाली के ऊपर आप इनाम रखते हो, आप बंदा जो है बट्टी लूट रहा है उसके बाद में आप 100 रुपये का उसको इनाम दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर आपको करना ही है 100 रुपये 200 रुपये खर्च करना है, किसी गरीब को दे दो, फाता दिला दो, आप बांट दो, मगर ये जो लुटाया जाता है, जो गरीब बट्टियाँ लुटाई जाती हैं या प्लेटें लुटाई जाती हैं, ये चीज़ गलत है। तो दोस्तों हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, हमें नहीं मालूम कि ताजियादारी गलत है या सही है, मगर आप लोगों से बस इतना यही कहना चाहेंगे कि आप जो है कोई चीज़ अलम वगैरह अगर आते हैं तो आप कोई चीज़ को लुटाओ मत, फेंको मत, बर्बाद मत करो, इसमें चोटें भी आती हैं, नुकसान भी होता है और गलत भी है, तो आप इसको जो है आप बांटो, गरीबों में तकसीम करो। ये हम आपको बता चुके हैं कि आप उसको जो है कायदे से आप किसी को खिला सकते हो, या घर घर आप सीरीनी है, आपने अगर फादा दिलाई है तो आप उसको बढ़वा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आप लोगों से हो सकता, हम मतलब हम भी अपने आप को भी ले कर चल रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस महीने में जो है 1 तारीख से 10 तारीख तक, 11-12 तारीख तक जो है मतलब कुरान पढ़ना चाहिए, उनके नाम बख्शना चाहिए, और रोज़े आप रखो। अगर 1 से तमाम लोग जो हैं 1 से 10 तारीख तक रोज़े रखते हैं, अगर आप 1 से 10 तारीख तक रोज़े नहीं रख सकते हो तो आप जो है 9-10 का आप रोज़ा रखो, वो ज़रूरी है, और नमाज भी ज़रूरी है, नमाज तो फ़र्ज़ है ही हम लोगों के ऊपर 5 वक्त की, तो इसलिए जो है अगर आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग जो है इबादत करिए, मतलब हम भी अपने ऊपर भी ये बात कह रहे हैं, ये बेकारी है, आप उसको लुटा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, गुनाह में दाखिल हो रहे हो, तो उस बेहतर तरीका यही है कि हम लोग जो है नमाज़ पढ़ें, और कुरान खानी वगैरह अगर आपको करानी है 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, या 9 तारीख की रात में आप कुरान खानी वगैरह करा सकते हो, ये सवाब का काम है। तो दोस्तों जो है इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे, और आज नहीं है।
ये जरदा गैर का एरिया है जहाँ पर आलम आए हुए हैं। ₹50 नाम खाली ये देखो इस थाली के चक्कर में परेशान थे, चोटें खाई हैं और ये थाली डबल हो चुकी है बिल्कुल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का काम है, एक जो है 50-60 रुपए की थाली चक्कर में जो है छोटे खा रहे हैं। ये मेरे मारे लूट लेते हो।
दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं चौकी पर। और हम अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, ये आप सामने देख सकते हैं, इसमें जो है मेहंदी चढ़ाई जाती है रात में। अभी यहाँ पर सजावट वगैरह होगी। Thank you.
जाएगा। ओ पंजियों।